नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, अभी सभी लोग को लेकर के आ गए हैं इस बात का जवाब देने कि हमने वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि जो हमने वीडियो डिलीट किया था पहले उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं बहुत कोई कि आपने वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, डर गए क्या। हाँ, कह सकते हैं कि डरे हैं हम इस तरह के विवाद से, इस तरह के छींटा कशी से, जो कि हम कभी नहीं चाहते थे। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, अगर आपने देखा होगा, हमें शुरू से किसी भी तरह का नकारात्मक चीज करके, किसी भी तरह का सहानुभूति लेकर के हमने अपना चैनल खड़ा नहीं किया। हमने अपना चैनल और आपका प्यार और इज्जत और जो भी आज पाया है सिर्फ प्यार और भाईचारा फैला करके ही पाया है, और आप लोग के सपोर्ट से ही पाया। बिल्कुल हाँ, पिछले 3 साल में सिर्फ एकमात्र वह नकारात्मक वीडियो आपको दिखा होगा जो हाल में कुछ दिनों पहले डाला था, जो कि नहीं डालना चाहिए था। शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, आप लोग हैं, सब लोग जानते हैं, सबने देखा होगा। काफी खराब लगा। इस बीच में मैं अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रहा। मैं घर में तो मौजूद था लेकिन दिमागी रूप से यहाँ पर नहीं था, क्योंकि मैं बहुत परेशान था और खास करके अपने बच्चे से मैं दूर रहा। इस बीच वो उस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि कम से कम दिन भर में 2 समय होता है जिस समय मैं जरूर होता हूँ अपने बच्चे के साथ। जब उसे सोना होता है तो मैं सुलाता हूँ क्रियांश को, जब क्रियांश को नहाना होता है तो मैं नहलाता हूँ। तो ये 2 समय तो कम से कम सारे वीडियो आप लोग देखते ही होंगे। इन सब बीच में यह भी नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था, अशांत हो गया था। तो जी, हम लोग आ गए अंदर क्योंकि पीछे जो है बाथरूम का कुछ आवाज आ रहा था, क्योंकि नहाया जा रहा है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर ताकि अच्छे से बातचीत हो सके। इसको पापा के पास ही आने दो ये मेरे पास ही रहता है ज्यादातर। तो हाँ जी, तो क्या बोलना चाह रहे थे। मैं तो वीडियो बनाने की कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बच्चे लोग बनाते हैं और मुझे कभी काल रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसमें आ जाती हूँ। तो मैं कभी काल कमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बहुत इज्जत देते हो, और इसके लिए हम आप लोग का आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आप लोग को हमेशा सुखी रखे, दुनिया का हर अरमान नसीब करे। और मैं सबसे पहले अपने इष्ट भगवान शिव को प्रार्थना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ लाखों बार, करोड़ों बार, हजारों बार। और उन बच्चे को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आपस में सुलह कर लिया और समय रहते। हमको लगता है एक माँ की आवाज़ अगर उन लोगों के पास पहुँचती होगी तो हमारे कोई बच्चे आपस में अब द्वंद नहीं करेंगे। और जहाँ तक प्लानिंग की कोई भी बात है तो हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी भी तरह की बात, मेरा दोनों बेटा, मेरा दोनों आँख है, और कभी भी बिना मेरे पूछे ये लोग गेट से ही बाहर गया है। इस बात का गवाह मैं हूँ, भगवान भोलेनाथ है, और जहाँ इसका जन्म हुआ वहाँ का समाज। हमें अपना एक मोबाइल से लेकर कार तक भी आज तक मेरे घर में जो भी आता है, जो भी चीज सामान देख रहे हैं, तो बगैर माँ की इजाजत के नहीं आता है यहाँ पर कुछ भी। और आज तक आप लोग के सामने हम कभी अपनी बहू या बेटी या किसी के लिए कुछ नहीं बोले, और अभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जैसे पहले रहते थे वैसे आप रहेंगे। और आपस में जब बच्चे लड़ते हैं तो दोगो गाली उसको उड़ देता है, दोगो उसको, इसका न कोई सच्चाई है, न कोई इसका पूर्वाशय होता है, न इसका कोई प्रूफ रहता है। बिल्कुल जी। और हमको लगता है एक माँ की बात आप लोग सभी मानेंगे, क्योंकि भगवान के चरण के बाद माँ का ही चरण दूसरा मंदिर है। हाँ जी, तो फिर वह माने जी अपनी बात कही और बाकी कहना चाहेंगे जी। हम कभी ने विवाद चाहते थे, जैसा कि आपने देखा होगा वह एक नेगेटिव वीडियो था, जरूर था, लेकिन उसमें भी मैंने आखिरी में यही बात बोला, इस विवादों से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, बंद कर दीजिए, आइए मिलकर के बातचीत करते हैं। तो अच्छा लगा, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, बातचीत किया, और बातचीत से जो है मामला अब सुलझता हुआ दिख रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो है एक साथ बैठे फिर से मिलजुल करके बातचीत करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जो हमारे पुराने दिन थे आज भी हम याद करते हैं, काफी अच्छा लगता था जब हम लोग सभी एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। और सभी कहते थे ये लोग कितने अच्छे से रहते हैं, और इन जैसा क्रिएटर बहुत कम होता है कि ये चार, हम लोग चार थे और कितने अच्छे से रहते थे। बिल्कुल जी। सब कोई सोचते थे कि कुछ भी होता है ये लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं। और इतना कहा जाता था कि ये दोनों बहन जैसी लगती है आपस में, इतना कुछ इस तरह का कमेंट सब आता था। इस बीच में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन क्रिएटर का जिन क्रिएटर ने सुलह कराने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश नहीं की, इस मैटर में आकर के कभी मतलब आग नहीं लगाया, पब्लिकली नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है प्लीज आपस में खत्म करो, पब्लिक में आकर के उन्होंने आग में घी नहीं डाला, तो काफी अच्छा लगा जी। धन्यवाद करना चाहेंगे उस क्रिएटर का जिन्होंने हमें कॉल करके सांत्वना दिया, और बहुत सारे लोगों के मैसेज देख रहा था, कमेंट देख रहा था, ईमेल देख रहा था, तो सभी लोग जो है कह रहे थे प्लीज आप लोग जो है सुलह कर लीजिए। तो ज्यादा तो अमित भाई ने सपोर्ट किया, जो मैं क्लियरली खोल के बोलती हूँ। हाँ। और उन्होंने कुछ क्रिएटर होते हैं ना जो साथ में लड़ाई लगवाते हैं,
कि ये लड़ जाए वो हमारा फायदा होगा, हमारे सपोर्ट में रहेंगे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वो हमारे साथ खड़े रहे, उनको भी समझाया, हमको भी समझाया, सब कुछ करके दोनों की दोस्ती करवाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जो उनका अच्छा पॉइंट था इनको बोलते थे, जो इनका अच्छा पॉइंट था उनको बोलते थे। कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में गलत बात बोलना हुआ तो ऐसा नहीं किया गया, वो सब चीज तो काफी अच्छा लगा। सही कह रहा हूँ जी, अभी भी जो मैं याद करता हूँ कि हाल का जो घटनाक्रम है काफी दुख होता है जान करके, और काफी खराब लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं इस तरह के सिचुएशन में रहने की। हमारे 3 साल के यूट्यूब के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना लो लेवल तक नीचे गिरा गया, और ये सब बोलने दोगे कि बात जो है। बिल्कुल, और पापा इसके इतने परेशान रहते थे, ये खेल नहीं पाया, ये बहुत रहा कि इस तरह की घटना कभी भी हमारे बच्चे के साथ नहीं हुआ। हम यही चाहेंगे, चाहे इज्जत औरत हो या मर्द हो, दोनों का समान है इज्जत, एक इज्जतदार के लिए। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दोनों बच्चे, आप इनके दोस्त हैं, साथ आप लोग काम करते हैं, दोनों बच्चे आपस में लड़े, ये ठीक नहीं लग रहा है। और एक माँ के नाते हम दोनों बच्चे को ये आशीर्वाद देते हैं कि दोनों जब तक साथ काम करें मिलजुल के रहे, यही हमारा भी, हमारे हम लोग का भी यही आशा है कि आप दोनों बच्चे ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे के कभी भी अपमानित नहीं करेंगे। ऐसे चाचा जी लड़ते हैं, इसलिए क्रियांश सलाह करा कि आप लोग सलाह करो। अच्छा, इसलिए क्रियांश के चाचा जो सचिन है उसको लड़ना नहीं चाहिए, ताली बजा रहा है, सही है, बात सुलह हो गई है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं जी, अपना बात को जो यहीं पर सारे चाचा इस अभी अपने सभी चाचा को क्रियांश हल्ला हल्ला करके कह रहा है, आप लोग सुलह के नहीं देखना तो मुझे कौन प्यार करेगा, कौन खिलाएगा। देखिए फिर आ गया, हम सचिन से मिले थे, मुझे ऐसा लग रहा नहीं लग रहा था कि सचिन में सोनू में हमारा किशन बेटा है, मोनू है, उसमें कोई अंतर। बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से सब्सक्राइबर अमित है, बहुत से सब्सक्राइबर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इन दोनों में ऐसा कैसे हो गया। अमित है, अमित सही में बहुत ही अच्छा लड़का, दोनों को एक दूसरे को गिला सकवा दूर करके दोस्ती करवाया। अमित बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, हम आ रहे हैं दिल्ली तुमसे मिलने बहुत जल्द। मैंने आज तक सबको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जहाँ फंक्शन जो मेरे यहाँ उसमें जितने भी लोग आए या जितने लोग कमेंट करते हैं तो हम सबको आशीर्वाद देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चे से दूर हैं, और भगवान शिव के दरबार में मेरी इतनी हाजिरी है, 7 पीढ़ी पर आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल जी, तो ऐसा करते हैं जी, अपना जो वाणी है उसको यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, पहले जैसा रहेगा। अच्छा, और आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं कि ऐसा घटना जो कभी नहीं हुआ था, हमारे बेटे का आंख में कभी आंसू ऐसे नहीं आया था, लेकिन इस करने के लिए जो हुआ इसके ऊपर जो खींचा चला गया, इसलिए इसको कितना आंसू आया है आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये रो के किसी को बता नहीं सकता है, हम आपको क्या बताएं। इसलिए अब ये चीज नहीं होना चाहिए कभी, ना आप परेशान हो ना या हो। लास्ट टाइम हुआ था जब हम लोग आए थे तो वहाँ से 15 दिन ये परेशान रहे थे, और आपने देखा होगा 15 दिन हमारा वीडियो नहीं आया था, और ऐसा यूट्यूब करियर में हमारा कभी नहीं हुआ कि 15 दिन गैप जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर तब हम लोग वीडियो बनाए जब सब कुछ ठीक हो गया। ये क्या बोलेगे कि माँ तुम लोग का निमंत्रण देती है मेरे यहाँ, सब आओ हम अपने हाथ से तुम लोग को खिलाएंगे रोटी सब्जी, हम तो रोटी सब्जी खाते हैं, और उसके बाद तुम सब हमको पैर छुएगा, आशीर्वाद देंगे, सबको दो दो थप्पड़ मार करके कहेंगे तुम लोग। हाँ जी, तो खत्म करते हैं क्योंकि आप देखो जितना चर्चा करेंगे बात उतना ही बढ़ता जाएगा, बस घुमा फिरा करके बात यही करना है, और सबका सारांश यही है कि सब ठीक हो जाए, सब मस्त रहे, और अब तो लग रहा है हो भी गया है सब कुछ, और सभी लोग जल्दी मिलेंगे, साथ दिखेंगे, ठीक है, बाय।